हाय एवरीवन, आई एम दीपशिखा, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन हॉल वीडियो, क्योंकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, एंड अगर अभी तक आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उस ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड अगर इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करना मत भूलेगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये हेयर ड्रायर, एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड सिस्का का। सिस्का इज़ अ वेल नोन ब्रांड, आप सब जानते ही होंगे। एंड इसका जो MRP है वो है 1499 रुपीज़, बट मुझे ये मिला है ओनली 700 रुपीज़ में। इसमें 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, एंड इस टाइप से ये वाइट कलर का हेयर ड्रायर है, एंड 1200 वॉट का है ये। सो गाइस, ये कुछ इस टाइप से हेयर ड्रायर देखने को मिल जाता है, एंड ये फोल्डेबल वाला हेयर ड्रायर है। इस टाइप से इसका हैंडल फोल्ड हो जाता है जिससे आप इजीली ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं, एंड इसकी कॉर्ड लेंथ 1.2 मीटर दी है। अगर कहीं स्विच बोर्ड दूर भी है तो इसे इजीली आपसे बाल सुखा सकते हैं, एंड मैंने इसे विंटर पर्पज़ के लिए लिया क्योंकि विंटर्स में बाल जल्दी से नहीं सूखते हैं, तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। एंड ये कूल एंड हॉट एयर वाला हेयर ड्रायर है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया क्योंकि हॉट एयर से हमारे बाल ख़राब हो सकते हैं, डैंड्रफ होता है, हेयर फॉल होने लगता है, तो इसलिए मैंने कूल एयर वाला ये हेयर ड्रायर लिया है। एंड इसमें आपको यहाँ पे ये नोजल अटैच मिलता है, एंड इसके साथ कोई एसेसरीज नहीं आती है। इसमें 3 सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से 2 जो है वो हॉट एयर के लिए, उसे आप लो एंड हाई कर सकते हैं, एंड जो 3rd है वो है कूल एयर की, जिसे आप लो एंड हाई नहीं कर सकते, वो सिंपल ही रहती है। आपको इसमें ये हैंग करने के लिए होल मिल जाता है जिसे आप इजीली कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इसमें ये इस टाइप से नैरो कॉन्सेंट्रेटर मिलता है जो डिटैचेबल हो जाता है, एंड इसके बेनिफिट्स ये है कि इससे आपके जो हेयर्स हैं वो क्विकली ड्राई होते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल एंड हैंडी हेयर ड्रायर है, एंड अच्छा लाइट वेट हेयर ड्रायर है ये। इसको मैंने अभी तक वैसे यूज़ करके नहीं देखा है, बट मैं आपको इसका फुल डिटेल में रिव्यू ज़रूर दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट हेयर ड्रायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये टेलकम पाउडर, एंड ये है यार्डली का टेलकम पाउडर, एंड कुछ इस टाइप से टीन वाली पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। एंड आप सब जानते होंगे यार्डली लंदन एक वेल नोन ब्रांड है जिसके परफ्यूम्स भी आते हैं, एंड इसमें जो मैंने अपना वेरियंट परचेज़ किया है वो है रॉयल रेड रोजेज, एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक रोज़ की तरह है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिओड्रेंट एंड परफ्यूम लगाना नहीं पसंद है अंडर आर्म्स एरिया में, नेक के पास, तो इसलिए मैंने इसे टेलकम पाउडर को परचेज़ किया। इसका जो MRP है वो है 230 रुपीज़, बट 186 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया है। 250 ग्राम का ये इस टाइप से टेलकम पाउडर देखने को मिल जाता है। सॉफ्ट इसके पार्टिकल से हार्श बिल्कुल नहीं है स्किन पे, एंड बहुत अच्छी इसके अंदर फ्रेगरेंस आती है परफ्यूम जैसी। इनके डिओड्रेंट परचेज़ किए हुए तो आपको पता ही होगा कि इनकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी रहती है। बहुत सारे वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट टेलकम पाउडर। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ईयर रिंग्स, एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड वॉयला के ईयर रिंग्स, एंड इसका जो फुल नेम है वो है वॉयला ब्रास ऑक्सीडाइज सिल्वर प्लेटिंग फ्लावर शेप डैंगलर ईयर रिंग्स विथ ब्लैक स्टोन, एंड इसका जो MRP है वो 449 रुपीज़ है, बट मुझे ये 200 रुपीज़ मैंने इसे परचेज़ किया है। एंड मुझे इस टाइप के लाइट वेट ईयर रिंग्स एंड ऑक्सीडाइज ईयर रिंग बहुत पसंद है, झुमकी वगैरह, तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। एंड इसमें आपको इस टाइप से फ्लावर शेप देखने को मिलता है, एंड यहाँ नीचे आपको वाइट बीड्स मिल जाती है। काफ़ी अच्छे लाइट वेट ईयर रिंग्स हैं, इसे आप कहीं भी इजीली डेली वेयर, ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर में वेयर कर सकते हैं, एंड मुझे ये ईयर रिंग्स बहुत पसंद है। इसको मैंने बहुत दिनों से अपने विश लिस्ट में ऐड करके रखा था, मुझे ये वाले ईयर रिंग्स बहुत पसंद थे, मुझे इन्हें परचेज़ करना था। मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से एलर्जीज़ होती है थोड़ी सी, बट ये ईयर रिंग्स पहन के मुझे कोई एलर्जी नहीं होती, इसलिए मैं वॉयला के ईयर रिंग्स लेना पसंद करती हूँ इस मटेरियल के ईयर रिंग्स। एंड इसका जो मटेरियल है वो है ब्रास मटेरियल, तो अगर आपको कुछ एलर्जीज़ होती हैं कुछ नकली आर्टिफिशियल पहनने में, तो आप इस टाइप के ईयर रिंग्स ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको एलर्जीज नहीं होती है। बहुत ब्यूटीफुल ईयर रिंग है ये वाला, इसमें आपको ब्लैक स्टोन बीच में देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया वो है ये नेल रिमूवर, एंड ये है ब्लू हेवन का डिप एंड ट्विस्ट नेल रिमूवर। ये इंस्टेंट नेल पॉलिश रिमूवर है, मीन्स इसके लिए आपको कोई भी वाइप्स एंड कॉटन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओनली बस आपको इसके अंदर अपनी फिंगर डाल के इसे ट्विस्ट घुमाना है, एंड दैट्स ऑल, आपकी नेल पॉलिश रिमूव हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये चीज़ लगी है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, एंड काफ़ी इजीली आपके नेल पॉलिश रिमूव कर देता है। एंड इसका प्राइस जो है वो है 75 रुपीज़, एंड मैंने इसे परचेज़ किया 56 रुपीज़ में। एंड ये नेल रिमूवर एसिटॉन फ्री है, विटामिन ई है इसके अंदर, एंड ऑलमंड ऑयल्स मिलता है, 3 ml का इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिलता है। काफ़ी अफोर्डेबल नेल पॉलिश रिमूवर है, बस ईजिली आपको इस टाइप से इसे ओपन करके ईजिली अपने नेल्स को इसके अंदर डिप करके ट्विस्ट करना है, एंड आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली इसने नेल पॉलिश रिमूव कर दिया है, एंड काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, एंड जल्दी से ये ड्राई कर देता है आपके नेल्स को भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, एंड ये है हाइपरमेट फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन मैंने परचेज़ किया है, एंड इस फाउंडेशन को मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अंदर मिलता है SPF 25 PA++, एंड ये बिल्डेबल कवरेज वाला फाउंडेशन है, एंड लाइट वेट
फॉर्मूला वाला फाउंडेशन है ये, एंड स्टेप्स इसकी आउटर पैकेजिंग देखने को मिलती है, एंड इस टाइप से ये ग्लास बॉटल में फाउंडेशन देखने को मिलता है जिसमें आपको ये नोजल वाला स्प्रे मिल जाता है, यहाँ से आपका फाउंडेशन बाहर आता है। जो MRP है वो है ओनली 200 rupees, एंड मैंने इसे परचेज़ किया है 145 rupees में। एंड इसमें जो मैंने अपना शेड परचेज़ किया है वो है हनी मीडियम, जो मेरी स्किन टोन पे अच्छे से मैच हो गया है। एंड मुझे ये फाउंडेशन अभी यूज़ करते हुए 1 हफ़्ता हो चुका है, तो मुझे फाउंडेशन बहुत पसंद आया है। काफ़ी अच्छा लाइट वेट फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज आपको ये देता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है फेस पे। इसमें डिफरेंट शेड्स भी अवेलेबल है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से ये शेड बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये आपको 30 ml की इस टाइप से ये क्वांटिटी मिल जाती है, 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिलती है, जो काफ़ी सही है। एंड अगर आप कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढना चाहते हैं तो आप इस फाउंडेशन को परचेज करके देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया, इसकी जो रेटिंग थी वो भी बहुत अच्छी है। तो इससे सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आने वाला है क्लोथिंग हॉल वीडियो, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं आपको फेस्टिव वेयर से रिलेटेड क्लोथ सिखाने वाली हूँ। सो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।